हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ मैं बात कर रहा हूँ सर, से उड़ीसा से बात कर रहा हूँ सर। जी? कहिए। अभी मैं BRIGSA से हम 5 साल से जरूरत हूँ, मतलब काम करता हूँ। तो सर अभी प्रोसेसिंग सर क्या हो रहा है? हाँ अभी प्रोसेसिंग जो है पदाधिकारियों का, ऑफिसर्स का सिलेक्शन हो रहा है हाँ सर। सर हम अभी। भी जानते थे, सुनिए सर, हम जानते थे कि पदाधिकारी का चयन हो रहा है। और अभी आपका मीटिंग था सर 3 तारीख का, 2 तारीख का एक तो मीटिंग था, जो कॉर्पोरेट मीटिंग था, तो सर वहाँ पर कैंसिल क्यों? जो है वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्यों हाँ इसलिए नहीं हो पाया? क्योंकि वो लोग आपस में लड़ने लगे, लीडर सर लोग में आपस कैंसिल में नहीं। लड़ने लगे कि हाँ हमको पदाधिकारी बनाओ, हमको पदाधिकारी बनाओ। यस सर। और उस लड़ाई की वजह से दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हुआ। तो आप क्या कहिएगा, हमारे यूनियन के लीडर्स में पता नहीं, हम लोग जो बचपन से हम लोग जो सीखे हाँ कि कभी पद का डिमांड मत करो, ईश्वर चाहेगा तो आपको दे देगा। हम लोग यही यही सीखे हैं, लेकिन हमारे यूनियन में सब पद पाने के लिए आपस में लड़ रहा है। यस सर। सर आई डू नॉट नो इस यूनियन में क्या है। तो उनके लिए सर हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है ना, कि वो टाइम पे घटते चल रहा है। फ्यूचर खराब कर रहे हैं, तो फ्यूचर खराब नहीं होगा, सबका है, दांव पर रखा हुआ है। इतने सारे मजदूरों का जीवन दांव पे लगा हुआ है, इतने सारे सरदार मुंशी अंजलरी का जीवन दांव पे लगा हुआ है, डॉक्टर्स लोग का जीवन दांव पे लगा हुआ ये सर है। मतलब रात को नींद भी नहीं आ रहा सर, मेरे को इतना परेशान हो, रात को नींद भी नहीं आ रहा है, क्या बात सही है। करें सर परेशान। आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ कि आप जो भी बात कर रहे हैं मीडिया पे बहुत दिल से बात कर रहे हैं, आप बहुत सपोर्ट भी करते हैं हम लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप लोगों का सपोर्ट करता हूँ मैं, लीडर्स का सपोर्ट नहीं करता। ये सर हम न्यूज पे आपको देखे, हर दिन का आपका न्यूज प्लस सब दिन, मतलब आज तक इतना न्यूज बनाए हैं, आप एक भी न्यूज छोड़े हैं कि आपका न्यूज मन नहीं देखे, तो सब दिन देखते हैं हम सर। क्या कहा, आप इंतजार में रहता है कि कब आप न्यूज छोड़ेंगे, क्या न्यूज छोड़ेंगे, कि अभी तो नहीं, कुछ दिन दिए सलीम दिए हैं आप सर। अभी क्या क्या प्रोसेसिंग अभी होगा? अब प्रोसेसिंग ये होगा कि जब ये पदाधिकारी बन के रेडी हो जाएंगे, हाँ अपने अपने स्टेट जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र जाएंगे, हाँ और ये लोग जांच करेंगे, जिस जिसका लिंक हुआ रहेगा वो लोग को नियुक्ति पत्र देंगे, काम यस सर पर भेजेंगे। ये यस लोग सर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। यस सर लेकिन लड़ाकू वाला ऑफिसर बन गया तो वो तो पता नहीं किसी का कल्याण कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। हम लोग का यूनियन सर, हम हमारा लीडर लोगों में बोल रहे हैं कि किसी का भी लिंक नहीं हुआ है, समझ लीजिए सर, मगर हम आपका जो न्यूज पे देख रहे हैं सब, कॉल करके सबको बता रहे हैं कि हाँ सबका हो गया, कि मतलब जितना भी बहुत जन बोल रहे हैं कि मेरा लिंक हो गया, मेरा भी लिंक हो गया, मेरा लिंक नहीं हुआ है, ये सब आपको बता रहे हैं, मगर एक्चुअली लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लिंक हो रहा है लोगों का, हो रहा आसाम है कई ना? स्टेट का लिंक हो रहा है। लेकिन हाँ नहीं सर, आप जानते हमारा हैं लीडर लोगों ने बोल एक रहे एक हैं। बात को अच्छा से जानते हैं कि कुछ लीडर्स लोग मजदूरों से लाखों रुपए ले रखा है यस सर ना, यस सर और वो लोग और कुछ लाख रुपए डिमांड कर रहा है, और यस सर, जिसकी ये तो वजह बहुत से वो खराब लोग बात, बहुत जमा खराब ही आदत नहीं है कर सर। रहा है डाटा को, यस सर और जिसकी वजह से विलंब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है, यस सर समझे? एक तो आपस में लड़ जाता है कि मैं पदाधिकारी बनूंगा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ले लिया है, फिर कह रहा है अब 2 लाख लेके आओ। अब गरीब आदमी कहाँ से देगा? ठीक है सर, कहाँ से देगा सर? एक एक जन भी देते हैं भी सर, मतलब आपका जमीन बेच के दे रहा है कोई, आपका मतलब किसको मांग के देता है, कोई लोन कर के देता है, सब देता है सर। अभी एक वीडियो में नहीं डाला, एक लड़की महिला वेस्ट बंगाल, हाँ फांसी सर खा ली थी, उसका गर्दन टूट सर, गया, उसका न्यूज सुने हैं सर, आप बोल रहे थे कि फांसी खा लिया है वेस्ट बंगल का, तो गर्दन टूट गया है, और उसको ये सर मजदूर भाई लोग मिल के दवा खरीद खरीद के दे रहा है, लेकिन हम लोग का लीडर लोग एक भी पैरासिटामोल खरीद के नहीं दिया है। यस सर मतलब क्या बोले सर। बहुत बड़ा विडंबना है हमारे यूनियन में, यस बहुत सर बड़ा दुखद है। ये यूनियन का बात नहीं है, भारत के संस्कार का बात है। यस सर भारत में संस्कार घट चुका है, संस्कार की हम लोग बात करते हैं ना, इंडिया में हिंदू यस सर राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, ऐसा ऐसा करेगा तो विश्व गुरु बन जाएगा लगता जी है सर, आपको? कुछ नहीं होता है सर, परेशान मतलब बोल रहे हैं ना, रात रात को रात जिस मजदूर के को। धन दौलत से पैसा से इन लोगों का परिवार चलता है, रोजी रोटी चलता है, उनको यस सर केयर ही नहीं करता है, कंसर्न ही नहीं है इन लोगों। सर क्या बोले, रात को नींद नहीं आ रहा, कब होगा कब होगा, परेशान होकर बैठे हैं सर, क्या कब होगा? हाँ वो खुद बोल रहा है कि कब मीटिंग हो रहा है, कब बोले कि हो जाएगा कब। मेरा लीडर लोगों बोल रहे हैं सर कि देखो जब कमेंट तक मेरा मेरा मतलब अपॉइंटमेंट लेकर करते नहीं आएगा, जब तक मतलब अधिकारी नहीं होंगे, तब तक नहीं होगा लिंक, नहीं हैं, होगा सर। लिंक होगा, अगर लीडर लोग नहीं करेगा हम लोग से संपर्क में रहिएगा, कोशिश हाँ सर करेंगे। हम तो है, आपका न्यूज भी देख रहे हैं कि हम बिहार, आपका रांची में तो आपका ब्रांच है, रांची हाँ, में है सर। रांची में है, पटना में है, सब सब जगह आप हाँ
रांची में मेरा पास में होगा, मेरा उड़ीसा से बहुत पास में होगा जी। उड़ीसा, अभी मैं उड़ीसा बॉर्डर में हूँ, पता है आपको सिमडेगा में? तो सिमडेगा में सर, मेरा घर में बहुत पास में है सर। अच्छा, कहाँ? राउरकेला? जी सर, राउरकेला सर। तो सामने है सिमडेगा, राउरकेला बहुत पास में सिमडेगा से, राउरकेला में बात कर रहा हूँ सर। अभी सर मेरा मतलब पदाधिकारी का कब का ज्वाइन हो जाएगा सर? जैसे ही पदाधिकारी लोग सेलेक्ट हो जाएगा, ज्वाइनिंग स्टार्ट। सर तो मैं जानता हूँ कि सिलेक्शन हो गया है सर। सिलेक्शन हो गया, गुपचुप हो रहा है सर? क्या बोले? सिलेक्शन हो रहा है, गुपचुप हो रहा है, डोंट वरी। हो रहा है मतलब सर इसका शपथ पाठ कब है सर? शपथ है शायद 15 के बाद, 15 का बाद 17 आसपास होगा जैसे लग। सर लीगल लोगों कुछ नहीं बता रहा है कि फोन भी नहीं उठा रहा है, सब बैठ गए हैं, कुछ सब पद लेने के लिए छटपटा रहा होगा। जैसे मछली छटपटाता है ना, देखे मछली समुद्र से निकालते हैं वैसे। हमको ऑफिसर, हमको ऑफिसर, हमको ऑफिसर, हमको ऑफिसर, मतलब ऑफिसर ही खाली बनना चाहता है सब। वो उसके लिए हमारा मतलब हम फंस जा रहे सर। क्या करें सर? अच्छा थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, अगर जल्दी नहीं करेगा तो फिर आप लोग डिसाइड करिए। मतलब इनका मजदूर में डिसाइड करेगा, यूनियन का मजदूर लोग डिसाइड करेगा कि अगर लेट हो रहा है तो क्या करना चाहिए। जैसे भारत में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर जनता सर्वोपरि होता है। जनता डिसाइड करता है कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, जनता डिसाइड करता है। और यूनियन में ये खासियत नहीं है हमारे यूनियन में, समझे? तो आप लोग डिसाइड करिएगा आने वाले समय में, अगर कुछ गड़बड़ होगा। हम तो मौजूद लोग हैं, हम तो काम करेंगे, पैसा लेंगे, हम क्या कर सकते हैं। इतिहास में बड़े बड़े आंदोलन मजदूरों से हुआ है, मैं जानता हूँ। मजदूर जो चाहेगा वो कर सकता है, जो चाहेगा वो कर सकता है। मजदूरों से पूरा दुनिया हिलता है, पता है? रशिया का क्रांति, उधर जर्मनी का क्रांति, अमेरिका का क्रांति, उधर जापान का क्रांति, इंडिया, इंडिया के बारे में गांधी जी क्यों लड़े थे बताइए तो? किसका सपोर्ट किए थे? मजदूरों का सपोर्ट किए थे, गरीब मजदूर लोग थे। या चंद्रशेखर आजाद किसके लिए लड़े थे? या तो भगत सिंह किसके लिए फांसी चढ़े थे? सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के लिए चढ़े थे। और हमारे यूनियन में कोई भी गांधी जी जैसे दिखता है, कोई भी भगत सिंह जैसे दिखता है? नाम लेता है उसका, लेकिन कोई भी भगत सिंह जैसा नहीं दिखता है। मुझे ये बात बड़ी चुभता है, क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का मैं भी हूँ और बड़ी चुभता है। डेट बाय डेट, डेट बाय डेट हल देते ही देते हैं, देते ही देते हैं। विलम्ब हो रहा है मतलब इसीलिए कि मतलब चयन नहीं हो रहा है सर? हाँ चयन नहीं हो रहा है, पदाधिकारियों का चयन विलम्ब कर रहा है। हम जान, हमको मेरा लीगल लोग बताया है। मान लीजिए अभी एक पल के लिए और एक मैं बात बोलूँ, मान लीजिए कि जो जो लीडर लोग हमारे यूनियन में है, जो 3-3 लाख 5-5 लाख रुपया ले रखा है, गलती से अगर वो पदाधिकारी बन गया तो क्या इस यूनियन के मजदूरों का कल्याण करेगा वो आदमी? वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो 3 लाख लिया है और मनोरंजन जी हो चाहे उस लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, समझे? खुश करने की कोशिश किया जा रहा है कि हमको बनाओ, हमको बनाओ, हमको बनाओ, हमको बनाओ, हमको बनाओ, एन और क्या बोलते हैं उसको, बहुत कुछ कर रहा होगा। तो वो सब चीज शोभा नहीं देता है हमारे लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, ठीक है, हम गरीबों की बात करते हैं, गरीबों का सेवा करना चाहिए, सभी धर्म सिखाती है ये बात को। और इसी भाव से मैं इस यूनियन से जुड़ा था कि इसमें गरीबों की बात होती है, गरीबों का सेवा करना है, दुखियों का सेवा करना है। और मैं इस यूनियन से जुड़ा तो धीरे धीरे पता चलने लगा कि इस यूनियन में मजदूरों का बात कम और पैसे की बात ज्यादा होने लगी। ये मुझे चुभता है, आज भी चुभेगा। और मैं वीडियो डालता हूँ, वो कई युग देखेगा मेरा वीडियो को, मैं मर भी जाऊंगा ना तब भी देखेगा। सब देखते हैं सर आपका वीडियो, सब देखते हैं, आपको बहुत ही पसंद भी करते हैं, किसी को भी बोलते हैं हाँ ये सर बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, यार अच्छा चीज बता रहे हैं। हाँ क्योंकि नहीं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, आपको सब सब चीज आपको देख रहा हूं। हाँ तो हमारे पोता नाती पोता सब देखेगा, पर पोता बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे कि कॉल करूंगा, कल करूंगा, कल करने से भी आप कार दे रहे हैं सर। आज बहुत मन मतलब उदास हो रहा था कि सर से बातचीत नहीं हो पा रहा है, क्या करें क्या करें, आज मन किया कि रात को फोन कर देते हैं सर, फोन लगा दिया अभी आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ, बहुत खुशी लग रहा है सर आपसे बातचीत करके। ठीक है, हिम्मत मत हारी, हिम्मत नहीं हारना चाहिए लाइफ में। बताइए तो मतलब ये कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, पदाधिकारी का ज्वाइन हो जाएगा, उसका शपथ पाठ हो जाएगा? 15 तारीख तक सिलेक्शन कंप्लीट करना है इन लोगों को, शपथ पाठ। अगर इसी तरह मछली बाजार बना के रखा है तो 15 तारीख को भी ये लोग खत्म नहीं कर पाएगा, फिर पेंडिंग हो जाएगा। लेकिन मुझे सूचना जैसे मिला है 15 तारीख तक ये लोग खत्म करेगा, और 15 तारीख के बाद 5-6 दिन का जो ट्रेनिंग की बात हो रही है वो ट्रेनिंग होगा, और सब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और मजदूरों का एक एक समस्या का हल करेंगे, इतना मैं जान रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह मछली मार्केट बना के रखा है लोग तो फिर पेंडिंग हो जाएगा, फिर डिले होगा। तो सरकार ने तो हम लोगों का सुन लिया है,
सरकार की तरफ से कोई, मैं सरकार को थैंक यू बोलता हूँ, उसने हमारी दुख दर्द को सुना, लेकिन हमारी यूनियन नहीं, गड़बड़ी है। क्या बताएं सर, सर जैसे भारत आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था उस समय मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, है ना, चाहता था पाकिस्तान, और जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और कई लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, आपस में लड़ते थे, और शाही का नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान का डिमांड कर दिया यही पद पाने के लिए, समझ रहे ना, यही पद के चक्कर में पाकिस्तान, हम लोग का भारत माता, वो भी भारत माता का एक हिस्सा है ना, पाकिस्तान आज आप लोग गाली देते हैं लेकिन वो भी भारत का हिस्सा है, अभी भी अफगानिस्तान तक हिस्सा है, लेकिन हमारे देख रहे संस्कार, इसी को मैं कह रहा हूँ, संस्कार की कमी है हमारे देश में, हर युग में ये संस्कार का कमी रहा। ये तो ठीक बात बोल रहे हैं सर, त्याग और बलिदान को कोई नहीं समझता है, सब सलब सब चाहता है, त्याग और बलिदान, ये सबकी भाषा इन लोगों के जुबान में नहीं है, बड़े बड़े लीडर्स को मैं देखा हूँ इस यूनियन में जो त्याग और बलिदान को नजरअंदाज करते हैं, और मजदूरों की बात करते हैं, और मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, कभी चंद्रशेखर बनने की कोशिश करते हैं, कभी भगत सिंह बनने की कोशिश करते हैं, मैं झूठ मानता हूँ सबको, ढकोसला मानता हूँ। बहुत खराब लगता है सर, मतलब देख के ना बहुत खराब लगता है, बहुत ये लगता है सर, मतलब बताइए तो सर, उड़ीसा में सर लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उड़ीसा में खासकर हो रहा है, हो रहा है सभी राज्यों में, हो रहा है ना सभी राज्यों में, उड़ीसा में तो मेरे को, हम लिखे लोगों ने बोल रहा है कि उड़ीसा में कभी मतलब एक भी लिंक नहीं हुआ है, इसलिए हम हो रहा है, चुपके चुपके हो रहा है, इसको उस लोगों को बताने के लिए मना किया गया, कहीं हमारी यूनियन में ही गृह युद्ध ना छिड़ जाए, समझिए गृह युद्ध क्या होता है, घर का परिवार आपस में जो लड़ना, जो माँ जो है पापा से लड़ रहा है और बेटा जो है बाप को फाइट मार रहा है, वो स्थिति हमारे यूनियन में बोला जाए, समझ रहे हैं, अपना अपना से लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहा है, बाप बेटा से, बेटा बाप से, माँ बाप से, दादा पोता से, ये जो हमारा यूनियन है उसमें आपस में घमासान हो गया, गृह युद्ध हो गया है, समझे, फायदा कुछ नहीं होता है ना सर, लॉस हो रहा है, पाकिस्तान बट गया वैसे ही तो बट जाता है, जब गृह युद्ध होता है तो क्या होता है, बस लॉस होगा ना सर, लॉस होता है, वही एक तो ओके आराम से काम को हासिल करना है सर, किंतु ये तो अपने से लड़ रहे हैं सर, अपने से लड़ेगा तो क्या लॉस होगा सर, लॉस ही होगा, अगर परिवार में माँ बाप लड़ रहा है, बच्चे भी लड़ रहे हैं, तो वो परिवार सुखी परिवार कहलाएगा, आपको नहीं सर, कभी भी नहीं सर, कभी नहीं कहलाएगा, वही बात यूनियन में लागू होता है, या हमारे राष्ट्र जब बना था, हमारा भारत जब बना था, उस समय भी गृह युद्ध हुआ था, पाकिस्तान बनाना पड़ गया, बांग्लादेश बनाना पड़ गया, सोचिए तो किसकी वजह से बना, यही नेतागिरी का चक्कर में हुआ। हाँ सर, ठीक है सर, बहुत खुशी लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन, अगर आप कंफर्म है कि आपका 15 तारीख को ज्वाइन होगा, 15 तारीख तक ये लोग पदाधिकारी कंप्लीट करने का ये लोग सूचना आ रहा है मुझे, कंप्लीट कर देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर विलंब पर विलंब होता चला, तो फिर आगे आपस में लड़ते रहेगा, मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों आपस में लड़ रहे थे, और आखिर जवाहरलाल नेहरू बन गए, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड कर दिया था कि मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मुझे एक अलग देश चाहिए, और आज भी उसका मुसीबत हम लोग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को, जहाँ पर डेली आतंकवादी और क्या क्या तरह तरह वादी बनता रहता है, सैनिक लोग बढ़ते हैं, पास में तो पाकिस्तान होके पूरा तबाही रखा हुआ है, पाकिस्तान हम लोग तो देश का हिस्सा भी है, अफगानिस्तान भी, बांग्लादेश भी, लेकिन हमारे देश में संस्कार को जब तक डेवलप नहीं करेंगे ना, तो इस तरह का स्थिति अनंत काल तक बना रहेगा, अनंत काल तक इसको रोका नहीं जा सकता है, हम अगला पीढ़ी को भी वही देंगे, वही संस्कार देने जा रहे हैं, गंदा संस्कार जिसको कहते हैं, पाकिस्तान का जो आतंकवादी अटक हुआ था ना सर, मेरा गाँव का लड़का मर गया, नहीं आज सोचिए अगर पाकिस्तान हमारे देश का हिस्सा होता तो क्या आतंकवादी एक भी होता, आपको लगता है, तो हमारे देश का हिस्सा होता तो फिर लड़ता किससे, लड़ता क्यों लड़ता, क्यों लड़ता, लॉजिक अप्लाई होता है वहाँ, या बांग्लादेश हमारे देश का हिस्सा होता तो आज कोई लड़ाई नहीं होता, नहीं लड़ाई होता, सब भाई भाई बन जाते, सर ये आपको फोन करेंगे, थोड़ा कॉल उठाएंगे सर, क्योंकि मेरे को लीडर लोगों ने कुछ मतलब अच्छे से नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, इसी से आपको फोन करेंगे, थोड़ा उठाएंगे सर, जी जी मैं उठाऊंगा, सबका उठाऊंगा, लेकिन बहुत बार मैं उठा नहीं पाता हूँ, बिजी रहता हूँ, क्योंकि इसके लिए तो मुझे रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट भी हमारे मौजूद लोगों का सपोर्ट है सर, बहुत आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस ब्लेस माय कंट्री, गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस आपके छोटे बच्चे भी होंगे, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे ही एक दूसरे का रिश्ता हम लोग बना के रखें, प्रेम भाव से रहें, ठीक है, मतलब 15 तारीख को आपका कंफर्म है कि ये ज्वाइन होगा, नहीं हाँ ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।